हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अलंकार का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि अलंकार किसे कहते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। एक हल्का सा थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें हमने पढ़ लिया कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा हमने देख ली। उसके बाद हमने दंडी ने जो अलंकार की परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते, मतलब ये होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था काव्य अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद मतलब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से आपको उस दिन बताया था, अलंकार आपको तीन प्रकार के लिखने हैं एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। और ये छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, विशेष करके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी कई बार पूछा जा सकता है, या फिर वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं, एक लाइन वाले ना, तिलकोत्तरात्मक जिसे हम बोलते हैं बच्चों, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आया और बोर्ड ने जो अपनी की भेजी थी उसमें तीन प्रकार के अलंकार बताए हुए हैं। और अब हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था बच्चों तीन प्रकार के जो अलंकार होते हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमने वैसे तो इसे देख लिया था कि शब्द के माध्यम से जहां काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है वो शब्दालंकार होता है। तो देखो कि जहां चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, वो जो अलंकार है, वो जो उसमें विशेष जो गुण बताने की कोशिश की गई है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए काव्य की, वो अगर शब्द पर आधारित है, है ना, शब्द विशेष पर अगर आधारित है तो वो अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। यदि प्रयुक्त शब्दों को हटा करके उनका कोई पर्यायवाची अगर हम वहाँ पे प्रयुक्त करते हैं तो वहाँ पे वो अलंकार समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, अगर हम वहाँ पे उसका पर्यायवाची रख देते हैं और तो वहाँ पे उसका जो चमत्कार है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये अलंकार शब्दालंकार कहलाता है, क्योंकि निश्चित शब्द को ही प्रयुक्त करने पर उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण ही इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ओके, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अलंकार किस पर आधारित होता है, शब्द पर आधारित होता है। अर्थालंकार में क्या होता है पता है, कि जो अलंकार जो होता है, शोभा बढ़ाने का जो गुणधर्म होता है काव्य में, वो अर्थ पर आधारित होता है, और शब्दालंकार में शब्द पर आधारित होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ पे देखेंगे एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। उदाहरण क्या है कि कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। क्या कहा है कवि ने, कितना सुंदर कहा है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। क्या कहते हैं, देखो कनक और कनक तो एक ही प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, और इसे जो सुंदरता आई है काव्य में, ये सुंदरता शब्द पर आधारित है। कनक कनक तो ये शब्द पर आधारित होने के कारण ये शब्दालंकार का उदाहरण है। अब देखो, शब्दालंकार में भी फिर कई प्रकार के भेद हैं। शब्दालंकार के भी कई सारे अलग अलग अलंकार हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वो शब्द पर आधारित है, इसलिए ये शब्दालंकार का उदाहरण है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो देखो, इस पंक्ति में कनक शब्द का दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। दोनों बार अर्थ हैं, है ना, एक बार कनक का मतलब होता है धतुरा और एक बार कनक का मतलब होता है सोना। तो शब्द तो एक ही है, सोना माने गोल्ड, शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों बार अर्थ इसका भिन्न भिन्न है। तो प्रयुक्त करके चमत्कार उत्पन्न किया है। यदि यहाँ पर कनक का पर्यायवाची अगर हम स्वर्ण, जैसे सोना है ना, सोना गोल्ड है ना, सोना, तो जो ये जो होता है सोना माने गोल्ड, और इस गोल्ड का अगर हम क्या करें, सोने की जगह हम स्वर्ण शब्द का अगर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण मतलब सोना, तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि कनक स्वर्ण ते सौ गुणी, नहीं बैठेगा, नहीं, कनक कनक ते सौ गुणी। तो यहाँ क्या होता है कि उसका चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाता है अगर हम यहाँ रखते हैं तो। अतः चमत्कार जो है वो शब्द कनक पर आधारित होने के कारण इस पंक्ति में शब्दालंकार है। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे अर्थालंकार।
तो हमने क्या इस पर स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि काव्य में जहाँ अलंकार अर्थ पर आधारित होता है तो वहाँ पर बच्चों जो है वो अर्थालंकार होता है। तो देखिए अर्थालंकार में क्या है कि जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित हो, अर्थ पर आधारित हो, किस पर आधारित हो, अर्थ पर आधारित हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यहाँ यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो चमत्कार समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जो चमत्कार है वो शब्द पर आधारित नहीं है, वो अर्थ पर आधारित है। एक उदाहरण देखिए, आपको एक उदाहरण देखिए बच्चों कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों से, है ना, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति को यदि हम इस प्रकार कहें, किस प्रकार कहें कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, व्यालों सी यानी सर्पों सी, समझ रहे आप। और चली आ रही की जगह हमने किया उमड़ रही थी, तो शब्द ये जो शब्द जब हमने बदले उसका पर्यायवाची शब्द जब हमने यहाँ पे प्रयुक्त किए तो उसका जो मूल अर्थ है ना वो समाप्त नहीं हुआ, तो भी चमत्कार या शोभा वैसी ही रहती है, अतः यहाँ पर है अर्थालंकार। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में इसके अर्थालंकार के भेद, कौन कौन से अर्थालंकार है वो डिटेल में हम यहाँ पे उसमें पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। वैसे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे अंतर दोनों में क्या है। तो देखो कि शब्दालंकार कविता में वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आधारित होता है। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, शब्द का पर्यायवाची रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। और अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ उक्तिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आधारित होता है, और इसी प्रकार उसमें जब शब्दों के पर्यायवाची भी रख देते हैं तो वहाँ पर चमत्कार समाप्त नहीं होता बल्कि यथावत बना रहता है। तो ये है दोनों में अंतर। और अब हमारा तीसरा जो इसका जो भेद है उभयालंकार, हम यहाँ पे देखेंगे उभयालंकार। अब देखो उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन। तो जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करने करके जो काव्य में एक चमत्कार जब उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वो होता है उभयालंकार, ठीक है, दोनों के माध्यम से। और इन्हें मिश्रित संज्ञा भी दी गई है, इसे हम क्या कहते हैं, संसृष्टि और संकर। तो बच्चों ये हमने अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। अलंकार की परिभाषा हमने देखी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आभूषण, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अलंकार के भेद कितने हैं, तो अलंकार के तीन भेद हैं, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो ये तीन भेद हो गए और हम इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने शब्दालंकार को समझने के लिए उसका एक उदाहरण देखा, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। और फिर हमने देखा अर्थालंकार का हमने एक उदाहरण देख लिया और उभयालंकार हमने समझ लिया। अब हम जब पढ़ेंगे तो एक एक करके शुरू करेंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के जो अलग अलग अलंकार है जैसे अनुप्रास अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, बहुत ही ईजी अलंकार है। अनुप्रास किसे कहते हैं, अनुप्रास के क्या गुण है, विशेषताएं क्या है, उसके उदाहरण हम देखेंगे, उसके भेद हम देखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ है, अगर बच्चों आप इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं जिस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उस लिंक्स के माध्यम से भी आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9079622989, मैं आपको बता दूं इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज, ओके,
एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस ऐप में हमने विभिन्न कोर्सेज बनाए, हिस्ट्री का, हिंदी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और इन कोर्सेज की जो इसमें जो चीज़ें हैं क्या क्या हम देते हैं, तो हम प्रत्येक चैप्टर की PDF देते हैं आपको। वहाँ पर PDF के रूप में नोट्स मिलते हैं, उसके बाद में उसका हम यहाँ पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल कराते हैं। इन वीडियोज़ के अलावा हम आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल कराते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप क्या करते हैं कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देकर के आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपके कितने में से कितने नंबर ला रहे हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आप देख सकते हैं, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा कौन सा गलत हुआ और गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है। इसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन क्लास होती है बच्चों, ऑनलाइन क्लास आपको मिलती है। और इसके अलावा फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं चैप्टर वाइज, वो सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। और फिर MCQs टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम पूरे एक साल की 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में ओनली 99 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। ओनली 99 रुपये, 99 रुपीज़ में फुल 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा आपको हमारे प्रत्येक कोर्स में उस कोर्स से रिलेटेड जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं पिछले वर्षों में बोर्ड के, उनकी कॉपीज़ आपको मिलेगी। और पिछले बोर्ड के जो पेपर्स रहे हैं पिछले 10 वर्षों के, 2010 से लेकर के अब तक के सारे आपको वहाँ पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट रहता है तो वहाँ पे आपको एक चैट का बॉक्स मिलेगा, तो आप हमें डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर जो है यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना शब्दालंकार में, एक एक करके इसके अनुप्रास अलंकार और बाकी जितने भी अलंकार हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।